ये है मोहब्बते में। इशिता टंडन को समझाती है कि उसे अपनी बहन की खुशी के लिए नील को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इशिता उसे अपने और रमन का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि त्रिशा सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार नील के साथ खुश रहेगी। टंडन आखिर मान जाता है और त्रिशा और नील की एंगेजमेंट होती है। वहीं दूसरी तरफ मिहिर मेहका को प्रपोज करता है और उससे वादा करता है कि अब वो कभी किसी के कहने पर उसका साथ नहीं छोड़ेगा। मेहका मान जाती है और उन दोनों की भी एंगेजमेंट करवाई जाती है। मेहका और मिहिर रमन को इस सब के लिए थैंक यू कहते हैं। पूरी अय्यर फैमिली रमन से काफी इम्प्रेस्ड होती है। बाला अनाउंस करता है कि इशिता रमन के लिए कुछ कहना चाहती है। इशिता अचानक से पंजाबी सूट में आती है और पंजाबी में रमन के लिए कुछ बातें कहती है। वो उसे थैंक यू कहती है और बताती है कि पम्मी ने उसे पंजाबी में बात करना सिखाया। लेकिन अचानक स्पीच के बीच में ही रमन को एक कॉल आता है और वो मिहिर के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ आदि एक इंस्पेक्टर को बता रहा होता है कि रमन कुमार भल्ला मेरी माँ की इस हालत के लिए जिम्मेदार है।